पोस्टमार्टम के लिए ले जाए गए अतीक और अशरफ के शव, उनका कॉल्विन अस्पताल में एक्सरे किया गया और उसके बाद अब पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम चल रहा है अतीक और अशरफ का। अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम जारी है कॉल्विन अस्पताल में, क्योंकि उनको गोली मारी गई थी और शरीर में गोली लगी हुई थी, शायद इसलिए इनको कॉल्विन अस्पताल लेकर आया गया क्योंकि इसकी सुविधा उस दूसरे अस्पताल में नहीं थी। अब एक्सरे किया गया यहां पर, अब पोस्टमार्टम चल रहा है दोनों के शवों का। पहले अस्पताल में अतीक और अशरफ का फुल बॉडी एक्सरे हुआ, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। विपिन, अगर आवाज आ रही हो बताइए, इस वक्त पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है? पोस्टमार्टम जारी है ये कहा जा रहा है, कब तक हो जाएगा पोस्टमार्टम अतीक और अशरफ के शवों का? बिल्कुल गौरव, बिना वक्त जाए किए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं पोस्टमार्टम हाउस के ठीक टॉप एंगल व्यू दिखाने के लिए घर की छत पर खड़े हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी पंकज झा जो कि रोविंग एडिटर हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और साथ में शिवांग बातुर भी होंगे। सबसे पहले पंकज जी, इन तस्वीरों को जरा ब्रीफ करिए और दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ हो रहा है, कितने देर में पोस्टमार्टम कंप्लीट होने की उम्मीद और आज क्या अंतिम संस्कार की जो प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, अंतिम संस्कार को लेकर तो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन देखिए वो लिखा हुआ है कि बड़ी आधुनिक चीर घर। पहले अतीक को लाया गया, जहां हम सब पहले कुछ देर पहले तक खड़े थे कॉल्विन हॉस्पिटल में, जहां एक्सरे के लिए ले जाया गया था। उसके बाद फिर अशरफ को लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि 1.5 से 2.5 घंटे का समय पूरे पोस्टमार्टम में लग सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम किसी भी इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक एक चीज का ब्यौरा होता है, इसीलिए और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है उस हिसाब से उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। 5 डॉक्टरों का पैनल भी है जो इस सारे पोस्टमार्टम प्रोसेस को पूरा करेगा। और देखिए, आप सामने 2 शव वाहन देख सकते हैं, इन्हीं 2 शव वाहनों में उनके शव को रखकर कॉल्विन हॉस्पिटल ले गया गया था, वही हॉस्पिटल जहां बीती रात बदमाशों ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर थी। वहां दोनों का एक्सरे किया गया है और एक्सरे की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें यह साफ हो पाएगा कि कितनी गोलियां मारी गईं, क्या कुछ बुलेट्स ऐसे भी हैं जो शरीर में फंसे हुए हैं और उसके आधार पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिसकर्मियों की तैनाती देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तैनाती देखिए और सामने वो 8 वार्ड का आधुनिक चीरघर जहां पर इस वक्त अतीक और अशरफ दोनों का पोस्टमार्टम चल रहा है। इन तस्वीरों के साथ शिवांग माथुर भी हमारे साथ जुड़ गए। शिवांग, आप कसारी मसारी के कब्रिस्तान गए थे जहां दोनों की कब्रें खोदी जा चुकी हैं, ये वही कब्रिस्तान है जहां पर असद का अंतिम संस्कार किया गया था, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ माहौल है वहां का, वो जरा ब्रीफ करिए। देखिए, अब ये निश्चित तौर पे बात तय है कि अब चूंकि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 1 से 2 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद दोनों शव, अशरफ और अतीक, इन दोनों शव को सीधे भेज दिया जाएगा उनके कब्रिस्तान। एक तरीके से कहा जाए कि पुश्तैनी कब्रिस्तान है, क्योंकि जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि जो 2 गड्ढे खोदे गए हैं, जो 2 कब्रें खोदी गई हैं, वो ठीक वहीं खोदी गई हैं जहाँ असद और असद के नाना, असद की नानी, तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं, उनके पार्थिव शरीर वहाँ पे गाड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार जहाँ दफनाया गया है वहीं पे इन दोनों को भी दफनाया जाएगा। तैयारियाँ प्रशासन ने पूरी कर रखी हैं, पुलिस की देखरेख में पूरी तैयारियाँ ये की गई हैं। इसके अलावा आपको बताऊं विपिन कि वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, पुलिस की कई सारी टोलियाँ, कई सारी टुकड़ियों को वहाँ पे लगाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा वहाँ पे लोगों को दी जा सके।